नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार साहू, प्रवक्ता DLED भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। आज हम DLED फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन जो विषय है, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन, इसमें ब्रह्म समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज के बारे में समझेंगे कि ब्रह्म समाज क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा सन 1830 में की गई। यह उस समय के प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने, क्योंकि उस समय जो हमारा भारत देश था वह अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमारे देशवासियों में बहुत सारी क्या थी, रूढ़ियाँ थी, रूढ़िवादी थी, अंधविश्वास था। तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारे अंधविश्वास को दूर किया, इन्होंने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, इस पर सबसे अधिक जोर दिया और हिंदू धर्म में फैले हुए अंधविश्वास को दूर किया और भारत के देशवासियों को जागृत किया।